सकते हो मेरे सामने खड़ी है टीवीएस अपाची आरटीआर 180 2016 का मॉडल। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है जो कि आप देख सकते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू है अपाची का। और इसके ऊपर से करेंगे रैपिंग। सो गाइस ये सेम टू सेम कलर के हिसाब से आप देख सकते हो, क्रोम ब्लू कलर की जो रैपिंग है, जो आपने जो है इसमें रैपिंग करा रखा है, ऐसा लगेगा ये पेंट किया गया जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हो। बट सो गाइस इसके अलावा लगा रहा है हैंड गार्ड जो कि एडजस्टेबल है, यानी इसको आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। ये फुल बॉडी क्रैश गार्ड है जगह पे, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा गाइस, ये देख सकते हो। आइटम है हैंड ग्रिप, सीएनसी मिरर लगा रहे हैं और ये भी ब्लू और ब्लैक कलर, मिनी ड्राइव फॉग लैंप लगा रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम तक चलती है गाइस। एचजीजी की ओरिजिनल यहाँ पर लगा रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग जो है कि बैटरी में फर्क नहीं पड़ता, पूरी वायरिंग है जिससे आपकी वायरिंग कोई कटिंग नहीं होगी। ये सीएनसी वाला है, ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त लेओ, आपके लिए कौन टॉपिक, एक नया वीडियो है, नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने सिनेमैटिक में देखा, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं टीवीएस अपाची आरटीआर 180 की मॉडिफिकेशन। और इसको जो किया है, उसको किया है लाइक कुछ हद तक रीस्टोर, यानी कि इसकी जो कंडीशन थी बाइक की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पेंट जगह जगह से ख़राब हो रहा था, तो कुछ पार्ट इसमें लगाए गए हैं नए, जैसे कि साइड पैनल्स वगैरह हो गए, और कुछ पार्ट जो सही थे उसको ख़राब नहीं किया है, उस पर किया है क्रोम ब्लू कलर की रैपिंग, जो कि लुक लाइक बिल्कुल सेम कलर की है। और रैपिंग होने के बाद आप जज नहीं कर पाओगे कि इस पर रैपिंग की है या फिर आपने स्प्रे वाला पेंट किया है। इसके अलावा कैसे मॉडिफिकेशन की है, लाइक फुल बॉडी क्रैश गार्ड, हैंड गार्ड, एचजी की ओरिजिनल फॉग लैंप, इसके अलावा गाइस और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं। सो गाइस, अगर आप इस तरीके की बाइक आपके पास है और आप चाहते हो उसको रिस्टोर कराना काफ़ी पुरानी कंडीशन में, तो आप ला सकते हो। उसकी सर्विसिंग वगैरह, उसकी मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाती है इजिली। सिनेमैटिक में आपने देख लिया होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी अपाची की, चाहे आपके पास 4 वाला मॉडल हो या आपके पास आरटीआर वाला कोई भी मॉडल हो, चाहे 160 हो, 180 हो या 200 हो, सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल पर चेकआउट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सिनेरियो में आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है टीवीएस अपाची आरटीआर 180 2016 का मॉडल है, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है जो कि आप देख सकते हो। और कुछ पार्ट्स इसके ऐसे थे जो डैमेज थे, लाइक आप देख सकते हो ये वाला पार्ट है, तो ये गाइस काफ़ी ज़्यादा कंडीशन इसकी ख़राब हो चुकी है। सो गाइस देख सकते हो, उसके नक्के वगैरह टूट चुके थे, तो ये बिल्कुल नया लगाया जाएगा। इसकी जगह पर ये देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो कि इसका ओरिजिनल है अपाची का। और इसके ऊपर से करेंगे रैपिंग जो कि आपकी होगी। सो गाइस ये सेम टू सेम कलर के हिसाब से आप इससे क्रोम ब्लू कलर की जो रैपिंग है, जो कि फुल्ली वाटरप्रूफ और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पेपर है। और इसके होने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि आपने जो है इसमें रैपिंग करा रखा है, ऐसा लगेगा ये पेंट किया गया, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हो। बट यहाँ से कटिंग अभी आप देख सकते हो बाकी है, फिनिशिंग अभी करना बाकी है। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो गाइस। बाकी इसकी ऑलमोस्ट अंदर से कंडीशन भी आप देख सकते हो। और गाइस जो ये वाला पार्ट है, ये आप देख सकते हो सारे, इस पर भी जो है पेंट किया जाएगा ताकि फालतू ना लगे और बाइक को जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यू लुक दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशन भी है, वो भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें एक्सेसरीज़ है। सो गाइस इसके अलावा लगा रहा है हैंड गार्ड, जो कि ये एडजस्टेबल है, यानी इसको आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। इसमें जो इग्निशन पर जो लाइट जलेगी वो रहेगी ब्लू, और इंडिकेटर पर आपको पता ही है येलो रहती है, तो वो भी है। इसमें कार्बन फिश मिल जाती है, वो भी मशीन वाली है, देख सकते हो, जो कभी ख़त्म नहीं होती। और आप इसको आगे भी कर सकते हो इस तरीके से, ये हुआ है, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा इसका जो सीट है उस पर कवर लगाया गया है, वो भी ब्लू का, जो कि आप देख सकते हो ब्लैक एंड ब्लू, जो कि कॉन्सेप्ट आपकी गाड़ी का है उस हिसाब से मिलाया गया है। और इसके अलावा गाइस इसमें लगाएंगे क्रैश गार्ड, जो कि ये वाला है, ये फुल बॉडी क्रैश गार्ड है, जो कि आपका ये आप देख सकते हो, एक इस जगह पर, एक जगह पर इसकी फिटिंग है, और एक इस जगह पर, जो कि ये कुछ इस तरीके से आएगा गाइस, ये देख सकते हो। और इसके ऊपर से लगेंगे दो स्लाइडर इस जगह पर, ये देख सकते हो, और ये बहुत ही डिसेंट रहेगा। और गाइस जितनी मॉडिफिकेशन की जाएगी डिसेंट की जाएगी, और बाइक की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी, यानी कि फालतू कोई चीज़ ना लगे और सेफ्टी बरकरार रहे। क्योंकि आप जिस तरीके की काम करवा रहे हो, रैपिंग करवा रहे हो, या आप मान लो पेंट भी करवा रखा है और कभी बाइक गिरती भी है तो ये हट जाता है, तो उसकी सेफ्टी रहेगी, प्लस आपका इंजन भी सेफ रहेगा, आपके लेग भी सेफ रहेंगे, और लॉन्ग राइड के समय में आप उसको पैर भी रख सकते हो, जो कि दो स्लाइडर लगेंगे गाइस। तो इसके अलावा और भी क्या क्या वो भी दिखाता हूँ। सुबह से अगली आइटम है हैंड ग्रिप, जो कि ब्लैक और ब्लू की है। जितनी चीज़ें इसमें लगाई जाएंगी वो बाइक के कलर को मद्देनजर रखते हुए लगाई जाएंगी, क्योंकि इसको ब्लू और ब्लैक बना रहे हैं। इसके अलावा गाइस इसमें सीएनसी मिरर लगा रहे हैं, और ये भी ब्लू और ब्लैक कलर, जो आप चाहो बाइक जिस मर्जी कलर की आपके पास हो सेम टू सेम मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसमें बड़े साइज़ के भी आएंगे, बट ये मीडियम साइज़ के हैं, और इसको लगाने के बाद आपकी बाइक में चलान के भी बहुत कम इशू रहते हैं, क्योंकि आपको पता है बिना मिरर के अगर आप बाइक चलाते हो तो उसमें चलान होते हैं, तो ये लगाने ज़रूरी होते हैं। आप चाहे फैंसी लगा लो या आप नॉर्मल लगा लो, हर तरीके के मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इसमें पूरी पूरी फिटिंग है, या आप देख सकते हो उसमें जो नट बोल्ट इसके दे रखे हैं, एक एलन की दे रखी है। इसके अलावा गाइस इसमें मिनी ड्राइव फॉग लैंप लगा रहे हैं, जिसमें आपको पावर ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आपकी
बैटरी पर कोई है बाइक की इफेक्ट नहीं होता, प्लस ये लॉन्ग टाइम तक चलती है गाइस, तो ये भी एक रीज़न है इसका, तो ये भी लगा रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा एच जी की ओरिजिनल यहाँ पर लगा रहे हैं सेंटर लॉकिंग, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएंगी सारी, जिसमें दिखा रखी है ये आप ले सकते हो, जो डिज़ाइन की आप चाहो ले सकते हो। और फिलहाल अभी इसमें कुछ इस तरीके की है, ये देख सकते हो आप, इसमें आपको दो की मिलती है, पूरी इसकी किट मिलती है जिससे आपकी जो है बैटरी पर फर्क नहीं पड़ता, पूरी वायरिंग है जिससे आपकी वायरिंग कोई कटिंग नहीं होगी और प्रॉपर जो है काम किया जाएगा, जस्ट प्लग एंड प्ले। बाइक चाहे आपकी एक साल पुरानी हो या एक दिन पुरानी हो या फिर 10 साल पुरानी हो, सेम टू सेम काम हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर लगा रहा है वाइजर, इसके अलावा गाइस इसके अलावा देखो ये सीएनसी वाला है, ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है, और इससे पहले लास्ट अगर वीडियो में हमने लगाया था वो लगाया था राइडर पर, बाकी आप जिस मर्जी बाइक पर लगा लो, फिनिशिंग आप दे सकते हो। और एक बार इसको पकड़ना राजीव भाई, देखो ये छोटे भाई बहन है, ये देखो पलट के देखो, ये देख सकते हो आप, पूरा व्यू नजर आएगा। हाँ ये आपका फैंसी भी है, प्लस में 90% काम होता है, इसमें पूरा 100% काम हो जाएगा आपका, तो ये भी है। सुबह से सारी एक्सेसरीज को पहले फिट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, इसके अलावा इसमें रैपिंग का भी काम चालू है कि इसमें लगता है टाइम, फिनिशिंग पूरी देनी होती है, तो पहले कंप्लीट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पे। सुबह टैंक वगैरह कंप्लीट हो चुका है और इस पे लगा रहे हैं स्टिकर की किट, ये पूरी जो आती है इसकी RTR 180 की आप देख सकते हो, जो कि इस जगह पे लगा दिया गया है आधा। ये किस जगह का है, टैंक का है क्या, साइड का, साइड पैनल का, 20 का, अच्छा ये यहाँ का है, ये लो जी, जैसे जैसे इसके ग्राफिक लगते रहेंगे वैसे वैसे इसमें लुक आता रहेगा निकल के, और इस कलर की जो वैल्यू है बढ़ती रहेगी। कितने स्टिकर किट होती है इसकी टोटल, सारे पार्ट कवर कर जाएंगे, यहाँ भी लगेगा, इस जगह पर भी लगता है, यहाँ पर अभी जो आधा है इस पर जो कवर लगेगा इसका, फिर उसके ऊपर आएगा बाकी का, और इसके ऊपर भी पन्नी चढ़ी होती है एक और, इसको हटाने के बाद इसमें फिर आएगा ग्लो एकदम शाइनी वाला। चलो जी ये देखो इसके बाद ही आता है लुक, मुझे लगा ये पूरा लगेगा लेकिन इसको हटा के देखो और डिसेंट आ गया, ये लग गया। तो इसी तरीके से सारे कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस मॉडिफिकेशन तो हो गई कंप्लीट और मॉडिफिकेशन होते होते बच गए हैं रात के 8:30, ये आप देख सकते हो। बट गाइस जो मॉडिफिकेशन हुई है वो एकदम लुक लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू आप कह सकते हो, देखो एक एक चीज़ इसकी प्रॉपर तरीके से मैच की गई है, इस तरह स्टिकर जब आप बाइक नई लेने जाते हो तो कुछ इस तरीके आपको फील आने वाला है, सेम टू सेम ये देखो, और अभी भी इसमें लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, काम अभी भी नहीं निपटा, छोटा मोटा टचअप रह गया लाइक स्टिकरिंग वगैरह का काम रह गया, यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो बाकी एक एक चीज़ आप देख सकते हो बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल, ये देखो। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि यहाँ पर आपको ग्राफिक लगा रखे हैं, ऐसा लगेगा ये पेंट किया हुआ है, ये देखो। लेकिन गाइस अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये बॉर्डरिंग जो है ना, बॉर्डरिंग ये आउटलाइन लगा रखी है, ये लगा रखी है ताकि जो इसका ग्राफिक है वो हटे ना जगह जगह से, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, राजू भाई लेवल दे रहे हैं देख रहे हो। सो गाइस ये देख सकते हो आप, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये इसके स्टिकर भी आप देख सकते हो बिल्कुल जेन्युइन, और ऐसा लग रहा है ये पेंट किया गया हो, ये देखो। आपके पास कितनी पुरानी बाइक हो, कोई सा भी मॉडल हो, कोई सा भी कलर हो, ठीक है, सेम टू सेम आप करा सकते हो काम, पहली बात बता दूं आपको, आपके पास 180 हो या फिर 160 हो, सेम टू सेम वर्क करा सकते हो। यहाँ पर लगाया जाएगा वाइजर, जब तक वाइजर लगता है जब तक मैं आपको और मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ। चबिया हमने की है ऑन, सुगेश हैंडल बार पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लगा रखे हैं LED वाले मिरर, जिसमें आपको इंडिकेटर मिलता है वो भी फ्रंट वाली साइड में, यानी जिस तरफ आप व्यू देखोगे उस तरफ इसमें एक मिरर आते हैं, इसमें आपको उस तरफ भी इंडिकेटर, यानी ड्यूल साइड इंडिकेटर, बड़ी सिंगल कॉन्सेप्ट है। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ओरिजिनल वाले लगेंगे, यहाँ से देख सकते हो, बट बैक साइड में अगर आप आते हो तो काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये देखो, यानी कि बैक से अगर कोई आ रहा होगा ना तो उसको पता चलेगा बंदे ने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है, क्योंकि नॉर्मल इंडिकेटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर है, वो आप देखते हो बिल्कुल डिफरेंट, मतलब वहाँ से डायरेक्ट पता चलेगा, तो एक वो भी चीज़ है। और गाइस इंडिकेटर पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रनिंग वाले इंडिकेटर है, जो कि 3-in-1 कॉन्सेप्ट बोले तो देखो, येलो तो ये है ही प्लस रेड भी है, और इस तरफ बाइक के कलर के हिसाब से ब्लू सेगमेंट में ले लिया गया, ये देख सकते हो, जिसका मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, कहाँ है वाइट लेवल। सो गाइस ये आप देख सकते हो इस तरफ से भी, और ये आप देख सकते हो इस तरफ से भी गाइस, ये देखो, तो ये भी है, ये 3-in-1 इंडिकेटर हो गए आपके। और गाइस बैक से कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, ग्राफिक आप देख सकते हो, सीट कवर चेंज किया गया है, ब्लू और ब्लैक का लिया गया, यहाँ पर स्टिकरिंग यहाँ पर भी कर रखी है। और गाइस यहाँ पर लगा रखा है स्विच, यानी कि एक स्विच से आप दोनों लाइटें कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो ये येल्लो है और ये है वाइट, ये देखो भाई वाइट येल्लो, वाइट येल्लो, फॉग लाइट लगा रखी है,
आपके जो है लेग गार्ड पर जो काफ़ी डिसेंट और बल्कनेस आ रहा है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर लगा रहेगा फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जिससे कि इनकेस कभी अगर आपका बाइक गिरता तो आपका देखो ये टैंक वगैरह पूरी तरीके सेफ रहता है, प्लस आपका इंजन और आपके लेग, और लॉन्ग राइड के समय में आप इसे पैर सकते हो कुछ इस तरीके से गाइस, तो ये काफ़ी डिसेंट सी चीज़ है। यहाँ पर लगा रखी है हैंड ग्रिप जो कि ब्लू और ब्लैक के हिसाब से ली गई है, ये आप देख सकते हो। हैजार्ड लगा रखा है जिसको ऑन करने के लिए आपको इस स्विच को जितनी बार आप ऑन ऑफ करोगे उतनी बार इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे गाइस, तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर हैंड गार्ड लगा रखे हैं जो कि ब्लू कलर के लिए गए, ये आप देख सकते हो। इंडिकेटर पर गाइस ये येलो रहेगा, ये देखो। अदरवाइज इंडिकेटर अगर आप बंद करते हो तो गाइस ये ब्लू हो जाएंगे। बंद करना एक बार जुबैर भाई, ऑफ कर दो इंडिकेटर, ये देख सकते हो। और यहाँ पर लगा रखा है बहुत ही बिग साइज वाइजर जो काफ़ी बल्किनेस वाला एक आगे से लुक दे रहा है, जो कि आप देख सकते हो। आप छोटा भी लगा सकते हो बट इस पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सारी मॉडिफिकेशन मैंने आपको दिखाई दी, बाकी शुरू मैंने आपको सब कुछ दिखाया। हॉर्न भी इसमें चेंज किया जा रहा है, हॉर्न कौन सा लगाया निशांत भाई इसमें? अच्छा, सुनाना साउंड इसका, चलाना। सो गाइस बाकी सारी मैंने मॉडिफिकेशन आपको दिखा दी हैं, और ये थी आपकी TVS अपाची RTR 180 का गाइस मॉडल। सो गाइस आज की वीडियो में इतना, ये थी आपकी TVS अपाची RTR 180 की मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज जो मैंने आपको दिखाई गाइस। अब बात आती है इसकी प्राइसिंग वगैरह की, तो गाइस अगर आप प्राइसिंग वगैरह पता करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखोगे, मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ दे रखा है। अगर दिल्ली के रहने वाले तो करोल बाग नायवाला मार्केट में आप आ सकते हो डायरेक्ट हमारी शॉप पर SKD पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।